दोस्तों मध्य प्रदेश में हालांकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मतलब आप 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से लगा सकते हो। अभी 2023 में मध्य प्रदेश में टोटल एमपी में 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज काम करती हैं, 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एडमिशंस लेती हैं और एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग काउंसिल्स का अप्रूवल लेकर, अलग अलग अप्रूवल्स के साथ। यूनिवर्सिटी कोई भी जो चलती है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो बनती है, उसे यूजीसी का अप्रूवल लेना होता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी की लिस्ट पर अपडेट है, मतलब यूजीसी पर लिस्टेड है, तो यूनिवर्सिटी मान्य है। उसके बाद वो बहुत सारे अलग अलग तरह से काउंसिल्स के अप्रूवल लेती है, तभी यूनिवर्सिटी अलग अलग तरह के कोर्सेज करा पाती है। जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो नॉर्मली जो कोर्सेज मिलते हैं, कौन से हैं वो कोर्सेज जो नॉर्मली करा सकती है, उसके बारे में बताऊंगा आगे अपनी वीडियो में। कौन कौन से अप्रूवल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और कौन कौन से कोर्सेज चलाती है ये यूनिवर्सिटी, उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी साथ में ही। यूजीसी पर इस यूनिवर्सिटी को, भाभा यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में चलती है, यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों भाभा यूनिवर्सिटी भी उन्हीं सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह ही एक यूनिवर्सिटी है, जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में चलती हैं। टोटल कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है हिंदुस्तान में? दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा हैं, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा हैं। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। तो ये थी टोटल हमारी यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने जो आपको बताया। भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में आप ये समझिए कि यूनिवर्सिटी पहले तो कहां पर स्थित है, आप इसको जान लीजिए। जो भाभा यूनिवर्सिटी है दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है यूनिवर्सिटी, होशंगाबाद रोड पड़ता है, वहां पर यूनिवर्सिटी ये है। ये दोस्तों यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटीज को जब कोई भी मान्यता मिलती है, जब यूजीसी पर लिस्ट होती है कोई भी यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी सभी तरह के यूजी पीजी प्रोग्राम्स, साथ में डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ऐसे सभी कोर्सेज को चलाने के लिए मान्य हो जाती है। बट उनके अलावा कोई भी कोर्सेज अगर यूनिवर्सिटी को चलाने हैं तो उसके लिए उस यूनिवर्सिटी को कंसर्न काउंसिल का अप्रूवल लेना होता है। अब इस यूनिवर्सिटी को सबसे पहले आप चेक कैसे करेंगे, मतलब इस यूनिवर्सिटी को, भाभा यूनिवर्सिटी को आप चेक कैसे करेंगे कब यूनिवर्सिटी बनी है? तो पहले दोस्तों आप यूजीसी पर जाइए, यूजीसी पर सारी डिटेल आपको इस यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। दोस्तों मैं नहीं बोलता इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले या ना ले, पर मैं आपको बताऊं, मैं वही बातें बता रहा हूं जो यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स हैं, जो कोर्सेज हैं, जो सब चीजें अपडेट है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले अपने विवेक से काम लें, यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छी तरह से पड़ताल करें, तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। ऐसे ही किसी की बातों में आके आप एडमिशन मत लेना। आप क्या टाइप करेंगे, www.ugc.ac.in, ये सब टाइप करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने खुलता है, उस इंटरफेस पर आप देखोगे ऊपर यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटीज में आप जब जाते हो वहां पर, तो यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को आप क्लिक करेंगे। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वहां पर सभी स्टेट्स के नाम यहां पर मेंशन हो जाते हैं, सभी स्टेट के नाम आ जाते हैं। दूसरी लाइन में आप देखोगे तो मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, सभी के नाम यहाँ पर खुलकर आ जाते हैं। टोटल 43 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं मध्य प्रदेश में, जो यूजीसी बताता है। यूजीसी के अनुसार ही, यूजीसी की जो वेबसाइट पर आप जब चेक करते हैं, तो यहाँ 4th नंबर पर भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स मेंशन है। यूनिवर्सिटी बनी है 2018 में, 11 जनवरी 2018 की यहाँ पर डिटेल मेंशन है यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी के बारे में और भी ज्यादा अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पर मोर डिटेल्स पे आप दोस्तों क्लिक कर दो। मोर डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पर तो यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स है, मतलब यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वीसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। पर मतलब इसका ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं,
यूनिवर्सिटी तो है पर यहाँ पर वो डिटेल्स मेंशन नहीं है जो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? bhabhayuniversity.edu.in। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब आप पहुंचते हो यहाँ पर, तो आप सबसे पहले आप देखिए कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स होंगे तो ही वो बाकी कोर्सेज चला सकती है, वरना नॉर्मली सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी पीजी प्रोग्राम्स और पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स के साथ ही यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज को रन कर पाएगी। यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, सबसे पहले आप जानिए AICTE के बारे में। यूनिवर्सिटी मेंशन करती है अपनी वेबसाइट पर AICTE के अप्रूवल की। हालांकि यूनिवर्सिटीज को जरूरत नहीं होती, कॉलेजेस को जरूरत होती है। बिना AICTE के अप्रूवल भी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक जैसे कोर्सेज को चला सकती है। दूसरा अप्रूवल की बात करें, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब BDS जैसे कोर्सेज को चलाने के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको यह कोर्स करना पड़ता है BDS। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया इसका अप्रूवल देती है। यूनिवर्सिटी के जो अप्रूवल्स हैं, उन अप्रूवल्स में यूनिवर्सिटी ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी मेंशन किया हुआ है। साथ में आता है PCI, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले कुछ महीनों में या साल की बात मैं करूं, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है जब से इन्होंने अपना एक एग्जिट टेस्ट भी निकाला है, और आने वाले टाइम में सभी काउंसिल्स लगभग स्ट्रिक्ट होती चली जा रही हैं। अब वो जो चीजें पहले चलती थी वो सब अब नहीं होती कि कितनी भी सीट्स पर यूनिवर्सिटी एडमिशन ले ले, जितनी सीट्स काउंसिल अलॉट करती है उतनी ही सीट पर यूनिवर्सिटीज अब एडमिशन ले सकती है। फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। साथ में ही NCTE, जब भी कोई यूनिवर्सिटी बीएड कराना चाहती है, एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज कराना चाहती है, उस यूनिवर्सिटी को NCTE का अप्रूवल लेना होता है, NCTE की मान्यता लेनी होती है, वरना वो यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को नहीं चला सकती है। दोस्तों फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है, कब बनी है, कैसे काम करती है, NCTE कब बनी है, कैसे काम करती है, कोई भी काउंसिल कैसे बनती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, डिटेल वीडियो हमने काउंसिल वाइज काउंसिल अपने इसी चैनल पर बनाई हुई है। आप उन वीडियोस को देखेंगे, बहुत हद तक समझ पाएंगे कि काउंसिल्स काम कैसे करती हैं। साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो LLB, LLM, या फिर आप 5 साल की 3 साल की LLB करना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी से करने के लिए यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी ने ऐसा अपने अप्रूवल्स में मेंशन किया हुआ है। साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी ने अपने आप को मेंशन किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के पास इसका भी अप्रूवल है। साथ में मध्य प्रदेश शासन, यहाँ पर कुछ डिटेल्स लगी है यूनिवर्सिटी की, और भी कुछ छोटे मोटे अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास है। ये थे कुछ वो मेजर कुछ अप्रूवल्स जिनके अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है यूनिवर्सिटी को काउंसिल कोर्सेज को चलाने के लिए। अब यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर करती है, उसके बारे में भी दोस्तों आप जान लीजिए। यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम इंजीनियरिंग करवाते हैं। इंजीनियरिंग मतलब डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, मेंशन है। फार्मेसी यूनिवर्सिटी करवाती है, यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम फार्मेसी में भी एडमिशन लेते हैं, मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मतलब कि डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और एम फार्मेसी। यहाँ पर कुछ डिटेल मेंशन भी की है यूनिवर्सिटी, जैसे कि भाभा फार्मेसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा पॉलिटेक्निक फार्मेसी, RKDF स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, RKDF इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी साइंस, ये कुछ डिटेल्स यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर मेंशन भी की है। साथ में ही फार्मेसी के अलावा जो यूनिवर्सिटी कोर्स करवाती है वो है डेंटल। यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम BDS में एडमिशन लेते हैं, भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस के नाम से यूनिवर्सिटी ये कोर्स करवाती है, BDS में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है। इसके अलावा और जो कोर्सेज हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट करवाती है, BBA MBA में एडमिशन ले सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA MCA यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी BEd करवाती है, BEd में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, भाभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी दोस्तों मैंने फिर आपको बताया कि आप कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, बहुत अच्छे से पड़ताल करें, यूनिवर्सिटी आप जाएं, यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हॉस्टल जाके देखें, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स से जाके मिलें, और साथ में ये भी देखें जो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं आपके उस कोर्स में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। सिर्फ फीस को देखकर ना जाएं, ना ही सिर्फ और सिर्फ लुभावने एडवर्टीजमेंट्स को देखकर जाएं, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, एग्रीकल्चर में एडमिशन लेती है, लॉ में एडमिशन लेती है, LLB करवाती है यूनिवर्सिटी, कॉमर्स मतलब BCom MCom कर सकते हो, साइंसेज में एडमिशन ले सकते हो, साइंस जो कोर्स होते हैं BSc के, MSc के, PCM, PCB या फिर ऑनर्स में, आर्ट्स में ले सकते हो, BA में, MA में,
नर्सिंग यूनिवर्सिटी करवाती है, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, लाइब्रेरी साइंस में करवा सकती है, साथ में पैरामेडिकल के कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में यूनिवर्सिटी मेंशन करती है इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 18 साल का लगभग एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी को है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग 37,625 के आसपास स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के पास, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स 22 इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटी के पास, साथ में सर्टिफाइड टीचर्स कहते हैं 892 हमारे पास सर्टिफाइड टीचर्स भी हैं। डॉक्टर साधना कपूर चांसलर हैं यूनिवर्सिटी की, भाभा यूनिवर्सिटी की, भोपाल की हम बात कर रहे हैं अभी। कोई भी दोस्तों किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है इस भाभा यूनिवर्सिटी को लेकर, या कोई चीज़ जो हम नहीं बता पाए ये बताना बाकी रह गया उसके बारे में भी कुछ आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सवालों को जरूर पूछें। अगला वीडियो किस यूनिवर्सिटी पर लेकर आए, किस कोर्स पर लेकर आए, हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो, अपने दोस्तों परिजन परिवार में हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। और साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।